राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल होकर सुभाषपा ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। चुनाव से पहले यूपी राजभर ने साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी मुर्मू का समर्थन करेगी और इसके बाद ये भी साफ हो गया कि सपा गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने कई बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं अब राजभर को द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का इनाम भी मोदी सरकार की तरफ से मिल गया। राजभर भले ही सपा गठबंधन में अभी बने हुए हैं लेकिन उनको केंद्र सरकार की तरफ से वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। राजभर को मिली केंद्र सरकार की तरफ से सुरक्षा के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में राजभर एनडीए में दोबारा शामिल हो सकते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद राजभर कई बार बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, हालांकि अभी तक उनकी बात बीजेपी से नहीं बनी। बता दें कि ओपी राजभर योगी सरकार के पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री भी रहे लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी से अलग होकर सपा के साथ चुनाव लड़ा, जिसमें उनकी पार्टी सुभाषपा 17 सीटों पर उतरी थी और 6 सीटें जीती है। लेकिन सपा और सुभाषपा के बीच रिश्तों में चुनाव बाद ही खटास आने लगी। इस बीच राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। उधर एनडीए के उम्मीदवार के समर्थन देने पर अब सपा ने राजभर पर निशाना भी साधना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर ने ओपी राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर अब पलटू राम राजभर हो गए हैं। चुनाव के समय सीएम योगी ने उन्हें ब्लैकमेलर कहा था लेकिन अब वो उन्हीं का बखान कर रहे हैं। सपा ने ये भी आरोप लगाया कि राजभर अपने बेटे को एमएलसी बनाना चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इनका इतिहास रहा है जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले अगर ओपी राजभर की पार्टी एनडीए में शामिल होती है तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।